दोस्तों नमस्कार, जैतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतार का सबसे बड़ा जैतार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मेरे दर्शकों शुभचिंतकों के लिए बुरी खबर है। दरअसल बुरी खबर यह है कि जैतार इलाके में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। लगातार यहाँ पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जो हमारे लिए बड़े चिंता की बात है। यानी अब कोरोना ने जैतार शहर सहित ग्रामीण अंचलों में भी पहर पसार लिए है। दरअसल बात करना चाहूँगा, आज रविवार है, तो रविवार दोपहर को जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के लिहाज से बड़ी स्थिति चिंताजनक है। ग्रामीण इलाकों की बात करूँ तो वहाँ और भी चिंताजनक होने लगी है। दरअसल आज चिकित्सा विभाग द्वारा जो जारी की गई लिस्ट है, उस लिस्ट के मुताबिक मैं बात करना चाहूँगा, तो एक बार फिर राजदंड ग्राम में एक व्यक्ति संक्रमित मिला है, तो ठीक है बलड़ा ग्राम में भी एक महिला के पॉजिटिव संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बात करना चाहूँगा कि इससे पहले इस जैतार इलाके में सबसे पहले जुजना ग्राम में एक पॉजिटिव मरीज मिला था, तो उसी दिन राजादंड ग्राम में भी तीन पॉजिटिव मिले थे। यानी अब राजादंड ग्राम में पॉजिटिव की संख्या चार हो गई है। जुजना में जैसा कि पहले एक आया था, तो उसके बाद दो है, यानी कि जुजना में तीन है। तो जैतार शहर की बात करूँगा तो जैतार शहर में नौ मरीज है। तो बहरहाल ऐसा ही कुछ मामला एक बलुंदा ग्राम है, वहाँ पर भी एक मासूम बालक को पॉजिटिव लक्षण उनमें मिले गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात मैं कोरोना पॉजिटिव की करूँ तो इस जैतार इलाके में अब तक संख्या 19 हो गई है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता की बात है। और इन मरीजों के नाम सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यानी जैतार शहर की स्थिति आप देख पा रहे होंगे, पूरा समूचा जैतार शहर इस समय बंद है, चूँकि जैतार शहर में नौ मरीज एक साथ निकले हैं। दरअसल इन मरीजों की बात करूं तो कुल तीन महिला है और शेष एक मासूम को छोड़कर शेष युवा है। और बताना चाहूँगा, आज जो राजदंड ग्राम में जो पॉजिटिव मरीज आया है, उस मरीज के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी बारी था। और बलड़ा की बात करूँ तो बलड़ा में जो महिला आई, वो भी पिछले दिनों ही बलड़ा आई थी, अलबत्ता वो बाहर ही रह रही थी। तो कुल मिलाकर जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, उन प्रवासी लोगों में सहित संक्रमित होने लगे। हालांकि अब तक जो पहले जो मरीज आए हैं, उनमें भी कमावेश बाहरी लोग थे। अलबत्ता जुजना ग्राम में जो दो नए पॉजिटिव मरीज मिले, वो संक्रमित हुए थे। और यही नहीं, देवरिया ग्राम में भी जो एक पॉजिटिव मिला था, वो भी संक्रमित रूप से ही मिला था। बहरहाल कुल मिलाकर बात चिंताजनक यही है। अभी तक कुछ रिपोर्ट्स है वो आनी बाकी है। प्रशासनिक ओर से दावा किया गया कि अभी कुछ सैंपल से और लिए हुए हैं। हालांकि इन्हें ये दो मरीज सामने आने के बाद प्रशासन दोनों ही गांवों को एहतियात के तौर पर, जैसा कि इस राजदंड गांव को पहले से ही सील किया गया, तो इस बलड़ा ग्राम को भी आज सील किया गया है। आप देख पा रहे होंगे ये जैतार का मुख्य बस स्टैंड है। जैतार शहर में भी पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरा शहर में इस समय खामोशी की चादर आप देख पा रहे होंगे। लगातार हम जैतार न्यूज़ ये अपडेट दे रहे हैं। हालांकि हमारा आज मूड नहीं था कि हम कुछ अपडेट दें, लेकिन स्थिति लगातार चिंताजनक हो रही है। ये यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा तो मुझे खुद को अब घर से बाहर निकलने के लिए अपडेट लगने लगा है। यानी आपके आसपास जो भी है, अब खतरा मंडराने लगा। तो बहरहाल मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अब अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे। कोरोना आपके आसपास में दस्तक दे रहा, लगातार चिंताजनक स्थिति इस जैतार शहर सहित आसपास के गांव में देखने को मिल रही है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, खासकर प्रवासी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, वो शासन एवं प्रशासन द्वारा जो आपको ताकीद किया जाता है, आप उसकी पालना सुनिश्चित करें। यानी आपको एकांतवास 14 दिन के लिए, आपको एकांतवास के लिए बंद पत्र भरवाए जा रहे हैं, तो आप एकांतवास रहे और इस कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इस कोरोना को गंभीरता से लेंगे। मेरी कल उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर जी विष्णु से भी बात हुई, वो क्या कहेंगे वो भी सुनना। और एक बार फिर बताना चाहूँगा, इस जैतार शहर में एहतियात के तौर पर
पुलिस एवं होमगार्ड्स एवं कुछ पुलिस के मित्र भी यहाँ निगरानी करे, लगातार निगरानी कर रहे, बराबर निगरानी करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस निगरानी करे या नहीं करे, उसके बाद लोगों में इस कोरोना को लेकर बड़ा भय व्याप्त है। और शायद यही कारण है कि लोग अब खुद अपने घरों में बंद रहने लगे, अपने जो गलियां हैं, जो प्रमुख रास्ते हैं, उनको खुद सील कर रहे हैं। यानी कि प्रशासन ने तो जो सील किए ही किए, लेकिन लोग खुद अब इस कोरोना को लेकर सतर्क हो रहे हैं। तो मेरा उनसे तमाम लोगों से आग्रह है कि वो कोरोना के प्रति लापरवाही नहीं बरते। आसपास में, आपके आसपास में कोरोना मंडरा रहा है, हो सकता है मैं भी संक्रमित हूँ, आपके पास में बैठने वाला भी संक्रमित हो, तो ऐसे कई बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि जैतारणी इलाके में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19 हो गई है, जिसमें 3 महिला है। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे और घबराए नहीं। और बाहर से जितने भी लोग जो बाहर से आ रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप अपना स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाए, यानी चोरी छिपे अपने घर में आकर नहीं बैठा। हालांकि मेरी बात आपको बुरी भी लग रही होगी, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है, चूँकि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपका परिवार का सही होगा, परिवार का सही होगा तो पड़ोसी का सही होगा। तो बहरहाल कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरा इलाका, पूरे लोग क्या स्वास्थ्य का सवाल है। तो मैं अब चूँकि गर्मी ज़्यादा, प्रचंड गर्मी इस समय ठीक है, 43 डिग्री टेम्परेचर है, बावजूद हम अपडेट दे रहे हैं। तो मैं आपसे इज्जत लेते हुए यही कहना चाहूँगा, आप कोरोना के प्रति सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने घरों में रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने घरों में, चूँकि आज मैं भी दिन भर अपने घर में किया था, लेकिन ये अपडेट लेने के लिए आज घर से बाहर निकला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपसे इज्जत चाहता हूँ। और वो गाँवों के दृश्य भी कुछ वापस आपको दिखाऊँगा, जहाँ उन गाँवों की क्या स्थिति है, क्या हालात है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहे हमारे साथ, जेता न्यूज़ के साथ बने रहे, हम ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। मैं आईबी खान, जेता न्यूज़ के लिए नमस्कार। महामारी के संक्रमण के संबंध में जब तक अधिकृत रूप से अधिकृत कोई जानकारी प्रशासन के द्वारा मीडिया के लिए या आमजन के लिए उपलब्ध नहीं करवा दी जाती है, तब तक यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से कोई भी किसी का नाम, का पता या किसी के बारे में कोई भी जानकारी जो महामारी से संबंधित है अगर आउट करता है, उसको प्रसारित करता है, तो ये एक संगीन अपराध है और इस संबंध में पुलिस सख्त एक्शन लेगी। तो मैं ऐसे सभी लोगों को, चाहे सोशल मीडिया के कोई ग्रुप चला रहे हों, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे ट्विटर से हो या फेसबुक से संबंधित हो या कोई और भी, उन्हें आगाह करना चाहूँगा कि इस तरीके से कोई हरकत नहीं करें। अभी लॉकडाउन की स्थिति है और जैतारण तहसील में करीब 5 जगह अपने कंटेनमेंट एरिया है, जिसमें सबसे बड़ा कंटेनमेंट एरिया जैतारण नगर पालिका क्षेत्र है। पूरा नगर पालिका क्षेत्र कंटेनमेंट है। कंटेनमेंट का मतलब होता है जीरो मोबिलिटी, यानी कोई भी व्यक्ति बाहर न तो घर से बाहर आएगा, न बाहर का आदमी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। वर्तमान में केवल मेडिकल शॉप्स है और डेयरी है, उनकी जो 13 दुकानें हैं डेयरी की, उनको हमने अधिकृत किया है, केवल वो खुली रहेगी। सब्जी और राशन के लिए हम क्षेत्रवार वर्गीकृत करके कल से इस पर एक्सरसाइज करेंगे और केवल होम डिलीवरी या दूरभाष पर, कोई मोबाइल पर या मैसेज के द्वारा कोई ऑर्डर दे देते हैं तो वो आपूर्ति या इनके घर घर डिलीवरी व्हीकल के माध्यम से जो सिलेक्टेड होगी, नियंत्रित रूप से वो करनी शुरू करेंगे। किसी प्रकार की कोई कमी प्रशासन की ओर से नहीं रहने दी जाएगी। आमजन का सहयोग शुरू से मिल रहा है, हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी सहयोग करें। हम पूर्णतया जनता के लिए हैं। आज जैसा फ्लैग मार्च था, डिप साहब हमारे साथ में है, BCMO साहब, मेडिकल की पूरी टीम अपनी डेडिकेटेड है, CI साहब है, RSC के जवान है, हमारे होमगार्ड के जवान है, हमारे पुलिस मित्र है, बहुत सारे स्वयंसेवक है जो इस काम में जुटे हुए हैं। तो आप सभी से अपेक्षा है। दूसरा, जो पॉजिटिव केसेज आते हैं, जो कोविड केयर सेंटर अपना मॉडल स्कूल में बना हुआ है, उस संबंध में कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाई है, कुछ लोगों ने जानबूझकर टारगेटेड कुछ वीडियो बना करके, ऑडियो बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए हैं, वो पूर्णतया फेक है, निराधार है और झूठे हैं। इस संबंध में जो स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश है, जो मानक गाइडलाइन है, केवल वही सामग्री, वही वस्तुएँ, वही भोज्य पदार्थ और उसी तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा और करवाया जा रहा है जो दिशा निर्देश में, गाइडलाइन में निर्धारित है।
और प्रशासन और हमारी मेडिकल की पूरी टीम है वो कटिबद्ध है इसके लिए, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं। सर मैं जानना चाहूँगा बलुंदा देवरिया जुजंडा और राजादंड की क्या स्थिति है? सभी जगह नियंत्रित स्थिति है, जीरो मोबिलिटी है और अच्छी बात यह है कि आम जनता के द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई इस संबंध में समस्या नहीं आ रही है और प्रशासन की पूरी सहयोग।